देवगढ़ पौर परिषद कथा रही अनियमितता खबर आसुची आंदोलन एगार दिन में पहुंची तापर भी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा स्वाधीन प्रार्थी कथा कहतु बीजेपी नेता आंदोलन में बसिंटी रास्ता जाम करी अभियोग तालिका देखा तेज बहुत लंबा रही रजिस्टर टेम्परिंग कथा कहतु सफे कर्मचारी ईपीएफ टंका हड़प कथा कहतु अवसरप्राप्त कर्मचारी 13 लाख टंका हड़प कथा कहतु ट्रैक्टर किनार दुर्नीति आय व्ययर अनियमितता मुक्ता योजना घोटाला ए तालिका बहुत लंबा अच्छी से दाबी 15 दफा दाबी रही आंदोलन 11 दिन में पहुंची कि तथापि भी बर्तमान किसी एक्शन निया जाउनी एवं जो माने आंदोलन में बसछन खास करके बीजेपी कथा कहतु बा स्वाधीन काउनसिलर मान कथा कहतु ताधे जन महिला काउनसिलर रही देह खराब होती कितु तथापि भी एक्शन निया जाउनी सहित कथबार्ता आड़े किसी एक्शन निया जाउनी तबे अधिक आलोचना निर्माल्य प्रसाद साहू आम देवगढ़ प्रतिनिधि जोड़े सारे देवगढ़ रु कौन अधिक अपडेट आसूँ कारण 11 दिन हो गला आम जमी लंबा तालिका दुर्नीतिर देखाऊ अभोग जदि सत निहाती भाव में सांघातिक कथा कितु 11 दिन पर भी कौन पर प्रशासन पक्षर किसी एक्शन निया जाने निर्माल्य विरोध जोर करती आम देखा जे 7 जन काउनसिलर देवगढ़ 7 जन काउनसिलर 6 जन बीजेपी काउनसिलर आउ जड़े स्वाधीन काउनसिलर ये सामिल होती आमर अनशन सामिल होती आम कह घटना 12 दिन बीतीगला अनशन 12 दिन बीतीगला प्रशासन कौन सी नीरव रही एपर्त कौन समाधान बाट बाहर करें अनशन स्थल सीधा स्थल आम प्रतिक्रिया ना आज्ञा देवगढ़ देख देवगढ़ पौर परिषद अनियमितता को लेकिन वर्तमान राजनीति एवं आंदोलन तेजवार लगी पौर परिषद विभिन्न दुर्नीति को नहीं 15 दफा दाबी रे 11 दिन है स्वाधीन एवं बीजेपी 7 जन काउनसिलर आमरण अनशन बस आंदोलन 11 दिन पर भी समाधान हो पारुनी एवं सबुठू बड़ कथा होची पौर परिषद रजिस्टर टेम्परिंग सफे कर्मचारी ईपीएफ टंका अवसरप्राप्त कर्मचारी 13 लाख टंका आत्मसात कथा कहतु ट्रैक्टर किनारे दुर्नीति कथा कहतु आय व्ययर अनियमितता मुक्ता योजना घोटाला एभली भाव में अड़ुआर पौराध्यक्ष पढ़ुंती काउनसिलर मानक आमरण अनशन पौराध्यक्ष जवाब रखुं किंतु 11 दिन है आउ के दिन ए प्रश्न साधारण जनता भी पचारोधी भी पचारती खास करके बीजेपी और स्वाधीन जो काउनसिलर मैंने रही आमरण अनशन में बस प्रश्न करण यह साधारण जनता कथा साधारण जनता प्रसंग और जो प्रश्न सब उठू तार उत्तर निहाती भाव में जिला प्रशासन और राज्य सरकार देवर आवश्यकता रही से ए आमर अनशन में बस किंतु दुर्भाग्यर कथा से अभियोग वर्तमान सुधा भी कथा शुणा जाऊनि तबे पौर परिषद देवगढ़ पौर परिषद जो भाई भाव में अनियमितता कथा सामना आसूँ से संपर्क में आम सीधा सड़क देवगढ़ भी जी आम प्रतिनिधि खूब शीघ्र जोड़ी हे कारण वर्तमान भी आम अनशन चली 11 दिन है कम समय नुहे 11 दिन धरी आम अनशन में बसी जड़े महिला जे रही काउनसिलर से असुस्थ होती ए खबर भी सामना आसूसी कि तथापि भी समस्यार समाधान कराऊनी कथबार्ता आगक निदी ए अभोग सत्यता रही तार जांच हाँ तो निहाती आवश्यकता कि वर्तमान पर्यंत भी कहीं जिला प्रशासन कथा कहतु राज्य सरकार कहीं चुप रही नहीं प्रश्न उठवा लगी पूर्व आम आलोचना करते जदि देखा 13 लाख टकर आत्मसात हो अवसरप्राप्त कर्मचारी जो मैंने रही टा निपरी सफी कर्मचारी ईपीएफ टंका भी हड़प होता कथ आसू एभली भाव में पौराध्यक्ष निहाती भाव में संदेह घर आसूँगी भूमिका तेज निर्माल्य जोड़े सारे आम सहित निर्माल्य कौन अधिक अपडेट आसूँ और किसी रिएक्शन नियंतु खास करके 11 दिन हो गला आउ केते दिन अपेक्षा आमर 25 तारीख आम अनशन बस आज पर्यंत 12 दिन हो प्रशासन आम पास आसीना कि कौन सी आम सुविधा थी ना आम दाबी विषय कौन सी समाधान करना तेनाली आमर
देवगढ़ पौरवासी जनसाधारण समर्थन रही समस्त समर्थन रही आम दुर्नीति विरोध में आम आंदोलन जारी रखीचु दुर्नीति विरोध में आंदोलन जारी रही आगे जारी रहा प्रथम मुख्य दावी हूँ आम देवगढ़ परिवा मार्केट टेंडर एवं प्रधान पार्क पार्किंग प्रथम दावी द्वितीय पौर परिषद रजिस्टर टेम्परिंग तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ईपीएफ पैसा एवं चतुर्थ जो अवसर प्राप्त जगबंधु मुंडा तारलेख जो आत्मसात होती पूर्व जन आम काउनसिल पूर्व ट्रैक्टर किनारे अनियमितता गत आम जो काउनसिल अधिवेशन होता से मार्च अप्रैल मे रय व्यय अटकल आमको दे ना तापर मुक्ता योजन जो अनियमितता है परिषद मानक बिना अनुमोदन मुक्ता योजन विभिन्न काम गुड़िक बांटि दिखाई वर्षा जल अमल जो आम सरकार राज्य सरकार वर्षा जल अमल जो स्कीम रही है से अनियमितता रही है से राजनीतिकरण रही आम जो काम गुड़िक वर्षा जल काम गुड़िक जो भी वर्षा संचय हवा कथा वर्षा जल संचय हवा कथा से न करके जो पारे जो भी ना सही काम करा जाऊ।